नमस्कार। एक बुजुर्ग महिला जब अपने परिवार में बैठकर पूरे सदस्यों के साथ अच्छे तरीके से बातचीत करती है, खाना खाती है, अपने आप को बीच में महसूस करती है कि मैं परिवार का एक सदस्य हूं, बहुत खुशी मिलती है पूरे परिवार को। हमारे एक परिचित हैं, एक दिन मेरे पास आए और कहने लगे कि हमारे घर में जो बुजुर्ग महिला हैं, वो हमेशा ये कहती रहती हैं कि मेरी सेहत ठीक नहीं है, ये जो दवाइयां आप लोग मुझे दे रहे हो इसका कोई फायदा नहीं है, यूजलेस है, टोटली डिप्रेशन महसूस करती हैं, बात बात पर अग्रेशन, गुस्सा उनके भर जाता है, हम उनसे कुछ बात नहीं कर पाते, अकेली रहती हैं, अपने आप को एक कमरे में बांध रखा है। उनकी बेटी हमारे पास आई, कहने लगी आपकी हेल्प की जरूरत है, बहुत से लोगों से आपके बारे में सुना है कि महावास्तु से आप ट्रीट कराएंगे तो ऐसे रिजल्ट आएंगे। मैंने उनसे कहा, मेनका जी आप पहले अपने घर का एक नक्शा तैयार करवा लीजिए जो महावास्तु के सिद्धांतों पर आधारित है, उस नक्शे को तैयार करवाइए, फिर हम अगला स्टेप करेंगे। उन्होंने नक्शा तैयार करवा लिया, हमने बार चार्ट तैयार किया, उसके बाद जब उनके साथ बैठकर हमारी मीटिंग हुई तो हमने उनको बताया कि आपकी माताजी साउथ साउथ वेस्ट यानी कि डिस्पोजल जोन में सो रही हैं, उनका जो बेडरूम है वो साउथ साउथ वेस्ट में है, सारी दवाइयां भी वहीं पर रखी हुई हैं, तो उनको हमेशा महसूस ये होता है कि इन दवाइयों से कोई फायदा नहीं है, मैं इनसे ठीक होने वाली नहीं हूं। और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जो हेल्थ और इम्यूनिटी की जोन है वहां पे थोड़ा सा गंद यानी क्लिटर पड़ा हुआ था। हमने उनको सजेस्ट किया कि सबसे पहले आप नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जो वहां पे क्लिटर है उसको हटाइए, रिमूव कीजिए। वहां पे एक छोटा सा प्लांट रखवाया गया ग्रीन कलर का, उनका बेडरूम, बुजुर्ग महिला का जो बेडरूम था उसको हमने शिफ्ट करा दिया साउथ वेस्ट में, सारी दवाइयां उठाकर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में रखवा दी गई। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट ये जोन थी, महावास्तु जोन थोड़ी सी एक्सटेंडेड थी, एक वाइट पट्टी लगाकर उसको बैलेंस किया गया। शायद 10 दिन आई थिंक बाद वो दौड़ी दौड़ी मेरे पास आती हैं और कहती हैं माताजी अब हमारे साथ बैठकर खाना खाती नहीं, रोने लगी, कहती माँ का सुख पहले जैसे मिलने लगा है, बड़ा लाड़ करने लगी, बहुत अच्छे से बोलती हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपने महावास्तु की रेमेडीज को, महावास्तु के सिद्धांत को अप्लाई किया, धन्यवाद देते हुए नहीं थक रही थी। जिसको माँ का सुख मिलता है ना उसे बहुत अच्छा लगता, बहुत अच्छा लगता। कहने लगी मैंने भी सीखना है। मैंने कहा आ जाइए, महावास्तु जगत में आपका स्वागत है, www.mahagurukul.org पे आइए, अपने आप को इनरोल कीजिए।